मुख्यमंत्री गहलोत का बीकानेर दौरा, तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीएसएफ हेलीपैड पहुंचे हैं। बीकानेर से पंजाब सीएम गहलोत जा रहे हैं, प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा भी उनके साथ में मौजूद। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देंगे। इससे पहले सर्किट हाउस में जन सुनवाई उन्होंने की है। और ये तस्वीर, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक हेलीपैड की ये तस्वीर है, दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जब उन्होंने जन सुनवाई की उस दौरान की ये तस्वीर। और एक बड़ा हुजूम जब जन सुनवाई के दौरान नजर आया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि हमेशा उनका एक अंदाज रहा है लोगों की बातों को सुनना, सुनवाई जो है या जो ज्ञापन या समस्या जो भी वो लेकर आते हैं उनको वो ज़रूर लेते हैं, कागज़ों को ज़रूर लेते हैं और अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं कि इन समस्याओं को सुना जाए। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक लाइव तस्वीर हेलीपैड की है। अब से कुछ ही समय में पंजाब के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना होंगे। कल बीकानेर पहुंचे थे मुख्यमंत्री और उस दौरान अपना संबोधन दिया था, किसान सभा को संबोधित किया था, जो महंगाई कैंप चल रहे हैं उनका निरीक्षण भी किया था। और अब तस्वीरें बीकानेर हेलीपैड से हैं और हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव खबर पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से पंजाब के लिए रवाना होंगे, रंधावा भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे, क्या कुछ और जानकारी, कितनी देर में मुख्यमंत्री रवाना होंगे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर जो है टेक ऑफ हो रहा है, उनके साथ सुरेंद्र रंधावा है, प्रभारी पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा और रामेश्वर डूडी जो एग्रो बिजनेस बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ जा रहे हैं। पंजाब जाने का कार्यक्रम है, प्रकाश सिंह बादल को जो है श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे और उसके बाद इनका वापस लौटने का कार्यक्रम रहेगा। तो देखिए इसीलिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, रामेश्वर डूडी को यहाँ से साथ लिया है। रामेश्वर डूडी कल एक अच्छी सभा कराई, किसान नेता है पंजाब में, पहले क्योंकि सांसद भी रहे वो श्री गंगानगर और बीकानेर जब होता था तो वहां से सांसद भी वो रहे, उस हिसाब से भी जो है मुख्यमंत्री उनको साथ लेकर गए हैं। उस इलाके में उनका कंटेक्ट है आप देख पा रहे होंगे, सी ऑफ करने के लिए संभागीय धीरज के पवन, आई पासवान, जिला कलेक्टर जो है भगवती प्रसाद कलाल और एसपी देशनी गौतम मौजूद हैं। कैमरामैन गुलाम रसूल ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक इंसेक्ट जो काट लिया था, इंसेक्ट ने काट लिया था जिसके चलते थोड़ा डॉक्टर को बुलाया गया, पहले कहा गया रूटीन चेकअप है लेकिन एक इंसेक्ट ने काटा था, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने जब देखा रेसेस हुए थे और अब जो है ये हेलीकॉप्टर रवाना हो रहा है, मुख्यमंत्री जो है बीकानेर से पंजाब के लिए रवाना हो रहे हैं। और इसके बाद आपको मैं बता दूं कि पंजाब जाने के बाद गंगानगर लौटेंगे, गणेशगढ़, उसके बाद गंगानगर श्री गंगानगर लोकल में कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद फिर जो है बीकानेर 29 तारीख को वापस लौटने का कार्यक्रम है श्री डूंगरगढ़ में, जो शहीदों की प्रतिमाओं का जो है वो अनावरण होगा। निश्चित तौर पर देखिए लगातार अगर हम देखें और हम समझें तो जोधपुर के बाद बीकानेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आ रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, या ये कहा जा सकता है कि जोधपुर के बाद सर्वाधिक दौरे यदि कहीं किए गए हैं तो वो बीकानेर में किए गए। आप देखिए ये ब्यूरोक्रेसी के लोग जिन्होंने पूरे उसको जो है कहीं ना कहीं दौरे को बेहतर व्यवस्थाओं के साथ पूरा कराने के लिए जो काम किया आप देख सकते हैं, इसलिए तस्वीर आप देख रहे हैं और सामने हेलीकॉप्टर जो टेक ऑफ यहाँ से करेगा और ये जाएगा पंजाब, जहाँ पर बठिंडा की बात आ रही है वहां पर जो है कार्यक्रम रहेंगे, प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद जो है ये अगर हम बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ इस वक्त जो मौजूद लोगों की तो प्रभारी सुरेंद्र रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और इसके साथ जो है रामेश्वर डूडी एग्रो बिजनेस बोर्ड के अध्यक्ष, ये जो है यहाँ से रवाना हो गए। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस तरह से यहाँ से जो है उड़ान भरेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर। यहाँ के अधिकारियों ने सीओ कहा, अधिकारी वापस लौट चुके हैं अब क्योंकि यहाँ पर दस्ती है, थोड़ा सा मिट्टी है आसपास, तो स्वाभाविक तौर पर सीओ किया और जी और उसके बाद अब से कुछ ही समय में ये हेलीकॉप्टर जो है वो रवाना हो जाएगा पंजाब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब से कुछ समय पहले सर्किट हाउस में हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने गोविंद सिंह डोटासरा से बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। संभाली उस वक्त एक संक्रमण की स्थिति थी, अब आप लगातार जब आगे बढ़ रहे हैं और
कही जा रही है। आपने पहले भी कहा किसान और कांग्रेस का पुराना नाता है, कल किसान महासम्मेलन में आपके भाषण की बहुत चर्चा है, आपने राजेंद्र राठौड़ पर जिस तरह से प्रहार किया, आपने पापड़ की बात की और आपने यहाँ तक कह दिया कि संघ से मुझे नफरत है, मायने क्या है इसके? देखिए, संघ आपस में लड़ाने का काम करता है, जातिगत धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम करता है और संघ का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। आप देख सकते हैं जब आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी और देश के महान सपूत जब अपने आप को जो शहीद कर रहे थे, प्राण न्योछावर कर रहे थे, देश की आज़ादी दिलाने के लिए सब कुछ त्याग कर रहे थे, उस वक्त इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसलिए और अभी भी इनके लोग केवल जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, आरक्षण को समाप्त करने की बात करेंगे, संविधान को तोड़ने की बात करेंगे, बाबा साहब के खिलाफ बोलेंगे, SC ST और दलित और माइनॉरिटी के खिलाफ बात करेंगे, सबको साथ लेकर के चलने की ये बात नहीं करेंगे, 36 को मुंह। तो इसलिए हमें नफरत है, व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से नफरत नहीं है। भाजपा कहती है कि जो आपके महंगाई राहत कैंप है, दरअसल उन पर वो सवाल उठाती है, ये कहती है व्यवस्थाओं के नाम पर बहुत कुछ नहीं है, जब आप आंकड़े देते हैं तो वो आफत की बात करते हैं, वो ये कह देते हैं कि पेट्रोल पर जो स्थिति है वो क्या है और दो तीन बातें वो गिनवाते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आप क्या जवाब देंगे? देखिए, पेट्रोल और डीजल जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 140 रुपये प्रति बैरल कच्चा तेल था, आज वो 100 के अंदर है और पेट्रोल और डीजल उस टाइम जो आपका डीजल है वो 50-55 रुपए था, पेट्रोल 60-70 रुपए था, आज वो दोनों ही 100 के पार हैं। तो ये उनका कहना कि पेट्रोल डीजल में जो केंद्र को मिलने वाली हिस्सा राशि की जो ड्यूटी लगाई जाती है वो उन्होंने 10 गुना बढ़ा दी और जो स्टेट्स को मिलती है बंटती है उसको उन्होंने जो 10% से 2% कर दिया। तो बेईमानी की भी एक सीमा होती है, इन्होंने बेईमानी करके, आप पीएम केयर फंड है, मैं पुनः कहना चाहूँगा कि इसमें जितना बड़ा घोटाला है, मैं समझता हूँ कि नोटबंदी, पीएम केयर फंड, ये बहुत बड़े घोटाले हैं। पूरे देश की नामी गिरामी जो हमारी नवरत्न कंपनियाँ होती थी उनका सारा का सारा पैसा ले लिया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का CSR का पैसा ले लिया, अब कोई हिसाब नहीं, कोई ऑडिट नहीं, अरे उनसे पूछो तो कोई जवाब नहीं। अडानी वाला मामले में राहुल जी ने पूछा तो सदस्यता ही खत्म करा दी, उसका 20,000 करोड़ की जो सेल कंपनियों में कहाँ से है उसका कोई जवाब नहीं। चलिए, ये बातें आप कहते रहे हो लेकिन एक सवाल साहब बनता है रुटासरा जी, अभी साल भर लगभग मतलब 7-8 महीने हैं चुनाव में लेकिन आपके मुख्यमंत्री सर्वे की बात मंच से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर्वे बता रहा है कि कांग्रेस रिपीट कर रही है, तो ये मेरा सवाल ये है कि AMIM यहां पर आप देखेंगे ओवैसी लगातार बात कर रहे हैं, RLP तो कह ही चुकी है, आपके पुराने प्रदेशाध्यक्ष को न्योता दे चुके हैं वो, तो क्या ये सब समीकरण प्रभावित करेंगे कांग्रेस को? देखिए, राजनीति में सब कुछ चलता है लेकिन जो मुख्यमंत्री जी सर्वे की बात कर रहे हैं वो जनता के मूड की बात कर रहे हैं और जनता का मूड आपने देखा होगा, 1 लाख से ज़्यादा लोग आए, सब लोग ढोल नगाड़े बजा के आए, किसान वर्ग पूरा का पूरा खुश था, तो निश्चित रूप से ये अच्छे संकेत हैं। यही सर्वे होता है कि जनता क्या चाहती है, जनता कांग्रेस की जो हमारी सरकार है उसकी जो योजनाएं हैं उससे खुश है, जो सरकार का गुड गवर्नेंस है उससे खुश है, कांग्रेस की विचारधारा से वो खुश है, किसान इनको अब की बार एक भी वोट नहीं देने वाला है। 15 महीने जो खून के आंसू इन्होंने रुलाए हैं, 700 किसान शहीद हो गए हैं, ये बात हर किसान के बच्चे बच्चे के जुबान के ऊपर है। ये OBC का बात करने की नौटंकी भले ही कर लें लेकिन OBC को हटा के ही तो राजेंद्र जी राठौड़ साहब को बनाया है, किस मुँह से कर रहे हैं ये OBC की बात? कल नड्डा जी OBC के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए सतीश पूनिया जी जो माला पहनाने के लिए पीछे पीछे गाड़ी के जा रहे थे, आपने पहले भी कहा था कि मजूरी करो, मजदूरी शब्द आपने बड़ा सिखावटी अंदाज में कहा था, बिल्कुल मजदूरी ही करवाई है। अगर 3 साल तक किसी ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का प्रदेश में काम किया है तो वो सतीश पूनिया थे, आज उनकी क्या कहाँ स्थान है आप स्वयं आंकलन कर लीजिए, मैं किसी के खिलाफ क्यों बोलूं। राजेंद्र जी राठौड़ जो हमेशा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में इनके ऊपर कितने करप्शन के चार्जेस लगे पिछले BJP के शासन में, कितने मुकदमे इनके खिलाफ है, इनके खुद का एफिडेविट आप देख लीजिए कि इनके पास में कितनी तो प्रॉपर्टी है और कितने मुकदमे इनके ऊपर हुए, आज वो बरी हो गए, अच्छी बात है, आदमी अगर कोर्ट से बरी होता है तो हमें उसमें कुछ नहीं करना, लेकिन उससे उसके नेचर का पता चलता है। चलिए, आखिरी सवाल, आप होटल बंद कमरों में लेकर गए विधायकों को, उस वक्त अध्यक्ष बने,
ये अरसा निकालते हुए अब यहाँ पहुँचे हैं। आप कह रहे हैं जनता का मूड ठीक हुआ है, लेकिन इन सब के बीच आपकी पार्टी के एक नेता अनशन पर बैठ जाते हैं, आपके प्रभारी ये कहते हैं कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है, तो ये कांग्रेस को कांग्रेस हराने का जो फलसफा चल रहा है इसको लेकर कोई मैकेनिज्म आपका आला कमान डेवलप कर पाया है क्या? राजस्थान में कोई कांग्रेस को कांग्रेस नहीं हराएगी, सारी कांग्रेस एक साथ एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ेगी और हम 2023 में जीतेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए ये थे गोविंद सिंह डोटासरा, अपने चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने बात की और उन्होंने एक बार फिर कॉन्फिडेंस दिखाया है कि हम 2023 में रिपीट करेंगे। खैर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो ये बात कहेंगे ही, लेकिन ये तय जनता को करना है कि क्या कांग्रेस जो बातें और दावे कर रही हैं वो धरातल पर पूरे हो रहे हैं, क्या वो सब चीज़ें जिसके सहारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार अब मंचों से कहने लगे हैं कि सर्वे बता रहा है कि हम आ रहे हैं, वाकई ऐसा हो पाएगा, इसका जवाब मुझे लगता है आने वाले सालों में चुनाव के बाद मिलेगा।